नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जीएसटी लॉ में जल्दी ही एक ऐसा प्रोविज़न एप्लीकेबल होने वाला है जिसकी वजह से आपके व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यह प्रोविज़न क्या है हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि वह कौन सा प्रोविजन है जिसकी वजह से आपके व्यवसाय को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और हमें उसके लिए क्या ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जो कि 23 अप्रैल 2019 को इशू की गई है, में कहा गया है कि सीबीआईसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी पहले 74/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जो कि 31 दिसंबर 2018 को इशू की गई थी और वह नोटिफिकेशन 21 जून 2019 से एप्लीकेबल होने वाली है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स द 21st day of June 2019 एज द डेट फ्रॉम विच द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 31st of December 2018 शैल कम इनटू फोर्स। तो यहां पर कहा गया कि नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स 21 जून 2019 से एप्लीकेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 क्या थी। नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स बेसिकली सीजीएसटी रूल्स को अमेंड करने के लिए नोटिफाई की गई थी। इस नोटिफिकेशन के जरिए एक नया रूल इंसर्ट किया गया था, रूल 138E, जो कि बात करता था रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। रूल 138E कहता है कि कुछ केसेस में आपको ईवे बिल जनरेट करते हुए पार्ट ए फिल नहीं करने दिया जाएगा। दैट मींस आप ईवे बिल ही जनरेट नहीं कर पाएंगे। कंडीशंस क्या थी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 ऑफ रूल 138, नो पर्सन इंक्लूडिंग ए कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर और ए कुरियर एजेंसी शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज ए सप्लायर और ए रेसिपियंट। यहाँ पर कहा गया कि चाहे आप कंसाइनर हैं या फिर कंसाइनी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या फिर कुरियर एजेंसी है, और चाहे आप एज ए सप्लायर ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं या फिर एज ए रेसिपिएंट ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं, आपको ईवे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा अगर बीइंग ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर 2 consecutive टैक्स पीरियड्स और बीइंग ए पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए consecutive पीरियड ऑफ 2 months। अगर आप एक पर्सन हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, आप एक कंपोजिशन डीलर हैं, तो ऐसे में अगर आपने अपने 2 tax periods के लिए लगातार रिटर्न फाइल नहीं की है, दैट मींस 2 quarters के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलर रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है और आपने 2 महीने के लिए लगातार अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे में आपको ईवे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, अगर आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है लगातार 2 महीने के लिए, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है या फिर अगर आप एक कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन है और ऐसे में आपने 2 quarters के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ईवे बिल जनरेट करने का सीधा सीधा मतलब है आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर सेल करते हैं तो ऐसे में आप वह सेल नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपके व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो आप अपनी रिटर्न्स टाइम पर फाइल करें। अगर आप एक कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो ऐसे में आप क्वार्टरली रिटर्न अपनी टाइमली फाइल करें, और अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप अपनी मंथली रिटर्न टाइम पर फाइल करें। No person shall be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB 01 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, being a person paying tax under Section 10, has not furnished the return for 2 consecutive tax periods, or being a person other than a person specified in Clause A, has not furnished the return for a consecutive period of 2 months.
कि यहाँ पर कहा गया कि अगर आपके पास कोई सुफिशियंट रीजन है और जो कमिश्नर है वो आपके रीजन से सेटिस्फाई है, तो ऐसे में कमिश्नर आपको अलाउ कर सकते हैं ईवे बिल जनरेट करने के लिए, इवन अगर आपने अपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की है. प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन सुफिशियंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर अलाउ फर्निशिंग ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB-01 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम. तो कमिश्नर आप पर कुछ कंडीशंस लगा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और आपके रीजन से सेटिस्फाई है तो ऐसे में आपको ईवे बिल जनरेट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं. यहाँ पर एक बात और कही गई, अगर आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं और अगर ऐसे में कमिश्नर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने से पहले उनको आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी. दैट मीन्स आपकी सुनवाई की जाएगी कि क्यों आपको ईवे बिल जनरेट करने दिया जाए इवन आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं की है. यह रूल 138E था जो कि 21 जून 2019 से एप्लीकेबल होगा. हालांकि अभी टाइम है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अभी तक अपनी जीएसटी रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं की है और 2 महीने से ज़्यादा आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है और अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है और आपकी रिटर्न्स 2 क्वार्टर से ज़्यादा पेंडिंग है तो ऐसे में आप अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल कर दें, अदरवाइज आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे. और ईवे बिल ना जनरेट करने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका व्यवसाय है वह नुकसान में जा सकता है, क्योंकि ईवे बिल जनरेट नहीं होगा तो आप सेल नहीं कर पाएंगे. अगर आप सेल नहीं कर पाएंगे तो आप व्यवसाय कैसे चलाएंगे. उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप ईवे बिल जनरेट ना कर पाए. इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को.